आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चंस दिए गए हैं, थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ। ठीक है, जैसे आप देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है वेरी शॉर्ट में, नेम द नेगेटिवली चार्ज एंड पॉजिटिवली चार्ज कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियोसोम। तो ये तो आपको अच्छे से पता है कि नेगेटिव चार्ज डीएनए पे होगा और पॉजिटिव चार्ज हिस्टोन प्रोटीन पे होगा। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। देन यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन है, नेम द टू बेसिक अमीनो एसिड दैट प्रोवाइड पॉजिटिवली चार्ज टू हिस्टोन प्रोटीन्स। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका, आर्जिनिन और लाइसिन। आर्जिनिन एंड लाइसिन बोथ आर बेसिक अमीनो एसिड विच फाउंड इन हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, तो ऐसे ही सिंपल क्वेश्चंस होंगे, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप क्या करना कि स्क्रीनशॉट लेके सारे क्वेश्चंस को नोट करना और खुद से आंसर्स इसके लिखने की कोशिश करना आप। ठीक है, देन नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन, आप देखो यहाँ पे 2 मार्क्स क्वेश्चन में, ड्रा अ नीड लेवल डायग्राम ऑफ आर न्यूक्लियोसोम। ठीक है, नीड लेवल डायग्राम मतलब साफ सुथरा आपको डायग्राम न्यूक्लियोसोम का बनाना है, और ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ डायग्राम, ये डायग्राम पूछ रहा है, तो ये बनाएंगे आप। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन व्हाट इनेबल हिस्टोन टू एक्वायर अ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, मतलब कि कैसे हिस्टोन प्रोटीन्स में पॉजिटिव चार्ज एक्वायर होता है। ठीक है, इसी का दूसरा तरीका से पूछा गया क्वेश्चन, हाउ डू हिस्टोन एक्वायर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो आपको बताना क्या है कि हिस्टोन के अंदर जो है बेसिक अमीनो एसिड होते हैं जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, वो कौन से अमीनो एसिड हैं, तो लाइसिन और आर्जिनिन है। ठीक है, ये चीज़ आपको बताना है, ये सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, आप बस एक बार अच्छे से थ्योरी आपका तैयार हो जाए तो आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। देखो आप एक क्वेश्चन देखो यहाँ पे, ऑल्दो अ प्रोकैरियोटिक सेल्स हैज़ नो डिफाइंड न्यूक्लियस येट डीएनए इज नॉट स्कैटर्ड थ्रू आउट द सेल, एक्सप्लेन। ठीक है, मतलब कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर न्यूक्लियस तो नहीं होता है, और न्यूक्लियस नहीं होने के बाद भी क्या है, डीएनए स्कैटर्ड फॉर्म में अरेंज नहीं होते हैं, वो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज और पैक होते हैं। ठीक है, वहाँ पे कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और डीएनए को न्यूट्रलाइज करके उसको एक जगह एक पर्टिकुलर प्लेस पे वो उसकी पोजिशन देते हैं। आप देखो यहाँ पर ये लाइन लिखी हुई है, इन प्रोकैरियोट्स सच एज ई कोलाई दे डू नॉट हैव डिफाइंड न्यूक्लियस, द डीएनए इज नॉट स्कैटर्ड थ्रू आउट द सेल। एनसीईआरटी से सारे क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ पे बता रहा है कि डीएनए पे नेगेटिव चार्ज है और कुछ प्रोटीन्स हैं पॉजिटिवली चार्ज जो उसके साथ एसोसिएट होकर न्यूक्लियाइड्स बना रहे हैं और ये स्कैटर्ड होने से बचा रहे हैं। ठीक है, ये एक पर्टिकुलर कॉन्साइज प्लेस पे कर दे रहे हैं, क्योंकि डीएनए का जो नेगेटिव चार्ज है और स्टोन सॉरी कुछ यहाँ जो प्रोटीन्स हैं वो जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, ये दोनों को क्या कर रहे हैं, ये न्यूट्रलाइज कर दे रहे हैं। ठीक है, ये पैराग्राफ इस क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक है, वो भी लास्ट की लाइन। देन इसके बाद से आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन द यूकैरियोट्स द डीएनए मॉलिक्यूल्स आर ऑर्गेनाइज विद इन द न्यूक्लियस, हाउ इज द डीएनए मॉलिक्यूल्स ऑर्गेनाइज इन अ बैक्टीरियल सेल्स इन एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, आई होप आप सब क्वेश्चन समझ रहे होंगे। यहाँ पे पूछ रहा है कि इन यूकैरियोट्स द डीएनए मॉलिक्यूल्स आर ऑर्गेनाइज विद इन न्यूक्लियस, हाउ इज़ द डीएनए मॉलिक्यूल्स ऑर्गेनाइज इन बैक्टीरियल सेल्स इन एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस। तो यहाँ पे भी सेम वही लाइन आपको बतानी है जो आपने यहाँ पे क्वेश्चन में आपने बताया था। ठीक है, बताना है कि न्यूक्लियस नहीं होता है, डीएनए होता है, वो डीएनए नेगेटिवली चार्ज है और उसके साथ कुछ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन आकर बाइंड करते हैं और बाइंड करके न्यूक्लियाइड बनाते हैं, और न्यूक्लियाइड एक पर्टिकुलर एरिया में सिचुएटेड होता है। ठीक है ना, और ये जो भी ऑर्गेनाइजेशन होता है डीएनए का उस न्यूक्लियाइड के अंदर वो प्रोटीन के हेल्प से होता है जो पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, तो वहीं से आपको इसका आंसर देना है आपको। ठीक है, देन उसके बाद से नेक्स्ट है आपका, डिस्क्राइब द पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स इन अ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, जिसको मैंने अभी डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर्स में। ठीक है, ये पार्ट जो डिस्कस किया है इसको और इसको आपको कंपेयर करना है अच्छे से। ठीक है, कुछ यहाँ पे बेसिक पॉइंट है, जैसे कि आप जान लो कि प्रोकैरियोट्स में सर्कुलर डीएनए होता है, यूकैरियोट्स में जो है वो लीनियर डीएनए होते हैं, यूकैरियोट्स में हिस्टोन प्रोटीन स्पेशली होता है, प्रोकैरियोट्स में आपका पर्टिकुलर कोई प्रोटीन यहाँ पे मेंशन नहीं है बट चार्जेस तो दोनों में पॉजिटिव है, और यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए यूकैरियोट्स में हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए मिलकर एक न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको
मेंशन करनी है, ठीक है। इसके बाद से नेक्स्ट है, हाउ आर द फॉलोइंग फॉर्म्ड एंड इन्वॉल्व इन डीएनए पैकेजिंग इन अ न्यूक्लियस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है पैकेजिंग जब डीएनए का होगा तो वहाँ पे आपको हिस्टोन ऑक्टामर बताना है, आपको वहाँ पे न्यूक्लियोसोम को डिस्क्राइब करना है, क्रोमेटिन्स को डिस्क्राइब करना, और ये सारी चीज़ें मैंने प्रीवियस अभी जस्ट जो पहले मैंने वीडियो आपके लिए शेयर किया था उसमें सारी बातें मैंने बताया है आपको, ठीक है। तो वहाँ से आप कॉपी कर लेंगे। देन उसके बाद से क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन यूक्रोमेटिन्स एंड हेट्रोक्रोमेटिन्स, ठीक है। तो यूक्रोमेटिन्स और हेट्रोक्रोमेटिन्स को भी मैंने बता दिया है कि जब आप क्रोमेटिन्स की स्टेनिंग करते हैं तो लूजली जो पैक्ड होता है वो लाइट कलर का होगा, और जो डेंसली पैक्ड होगा वो डार्क होगा। जो लाइट होते हैं वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होते हैं, यूक्रोमेटिन्स ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है और हेट्रोक्रोमेटिन्स ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होते हैं। एक बार मैं दिखाता हूँ एनसीईआरटी में ये लाइन कहाँ पे मेंशन है। आप थोड़ा सा क्या करना कि 11th का थोड़ा सा बायोलॉजी की कुछ लाइंस यहाँ पे ऐड कर देना तो और ज़्यादा परफेक्शन हो जाएगा। देखो यहाँ से ये चीज़ें आपको उठानी है, जो लूजली होगा ठीक है वो लाइट कलर का होगा, जो डेंस पैक डेंसली पैक्ड होगा वो डार्क होगा, ठीक है, और जो डार्क होगा वो ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होगा, और जो लाइट होगा वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होगा। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको बतानी पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आप देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिख रहा है, ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ और न्यूक्लियोसोम्स, ठीक है। तो ये भी आप ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो ऑलमोस्ट मैंने सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं, एक बार आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा, और देन इसके बाद से हम नेक्स्ट हेडिंग का रिविज़न करेंगे, द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेंगी।